मुझे एक बार कल ऐसा लगा कि क्या मैं, क्योंकि बड़े लंबे प्रोग्राम हैं और 80 साल की उम्र में बम्बई से कार से चलो, सड़क से, कहाँ गए थे हम अभी, डीएम साहब बहुत दूर है, एक आगे गांव गए, पानी बलिया क्या से गांव गए, फिर वहाँ से उन्होंने कहा नहीं अभी यहाँ अरनाला में आना है, तो फिर अभी और आगे पालघा वा बेलापुर और कहाँ कहाँ जाना है, तो आना था हेलीकॉप्टर से। और रात को हमारे अधिकारियों ने कह दिया साहब हेलीकॉप्टर है ही नहीं। अब हमने कहा कि हेलीकॉप्टर नहीं है तो लेट द हेलीकॉप्टर गो टू हेल, है ये क्या करना है, तो मुझे तो जाना है क्योंकि मैं तो आप जिस गांव में रह रहे हैं हेलीकॉप्टर से आता तो सब थोड़ी देख पाता है, तो मेरा एक नियम है भगवान भले के लिए करता है, आफत आती तो मैं कहता हूँ भगवान भले कर रहा है, कितना अच्छा हुआ कि देखा पूरा देखते हुए आ रहा हूँ, मतलब नूतन जी तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं पर भगवान ने मुझे पूरा दिखा करके और अच्छा काम कर दिया, आपके बीच में आ गया और अच्छा लगा, क्योंकि आज के युग में और मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, मनुष्य सेल्फिश होता जा रहा है, और ये समय का प्रवाह है। ये तुलसीदास जी कलयुग के बारे में बहुत सारी चीज़ें कह गए, रामचरितमानस पढ़ोगे उतना मुझे ज्ञानेश्वरी और क्या नाम समर्थ रामदास या तुकाराम जी नहीं मिला जितना वो अपने उसमें कह गए कलयुग के क्या लक्षण होंगे। तो ऐसे उसमें भी कलयुग के ये बुराइयां ये बुराइयां ये बुराइयां ऐसा उन्होंने बोला है अंत में रामचरित मानस खत्म करते करते करते, लेकिन फिर बोले कलयुग है भी बहुत अच्छा। अब आप देखिए कि विनायक जी के और नूतन जी के बच्चा दिव्यांग हो गया, लेकिन कलयुग में कभी कभी किसी को भगवान ऐसी बुद्धि दे देता है, ऐसा हृदय दे देता है कि वो अपना ही परिवर्तन नहीं करता समाज का भी परिवर्तन कर देता है। और हमारे नूतन जी ने, विनायक जी ने अपने पुष्कर को देख करके न केवल पुष्कर का उद्धार किया बल्कि आसपास के हमारे अनेकों बच्चों का, दिव्यांग बच्चों का उद्धार कर दिया और आगे करते रहेंगे, और आपके हमारा सबका सहयोग मिला तो और आगे करेंगे। तो ये एक आपने ऐसा पावन लक्ष्य दिया है, पावन काम कर रही है। मैं तो भगवान को मानता हूं परंतु मैं कभी कभी भगवान से ज्यादा जो ऐसे यानी दिव्यांगों के लिए जो दिव्य काम कर रहे हैं, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, ऐसे को मैं बड़ा भगवान मानता हूं, क्योंकि सामान्य जीवन चलता रहता है, मनुष्य का जीवन स्वार्थ से भरा पड़ा है, लेकिन ये जो समाज के काम है, हम स्कूल भी खोलते हैं, अस्पताल भी खोलते हैं, लेकिन मैं बहुत जगह देखा है, मैंने कुष्ठ पीड़ित लोगों के काम करते हुए लोगों को देखा है, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो अद्भुत काम करते हैं और मैं उनको ईश्वर की श्रेणी में मानता हूँ, और ऐसे श्रेष्ठ काम के लिए मेरा तो आपके साथ हमेशा एक प्रकार से शुभकामना है, शुभेच्छा है। और आपने पकड़ी ऐसे रखे, मंच पर तीन लोग आपने ऐसे बैठा रखे हैं कि ये अगर खड़े हो जाएंगे तो माने ये नहीं, ये खड़े हो जाएंगे तो आप लोग बैठे हो, ऐसा नहीं है। ये सबको करना पड़ता है। हमारे हिंदी में एक कहावत है, पांच सात की लकड़ी, जब एक एक करके सात आठ लकड़े हो जाएंगे ना, अकेली लकड़ी होगी, लकड़ी को मराठी में क्या बोलेंगे, काठी, काठी बोलते हैं, काठी हमारा भी बोलते हैं हाँ, तो काठी, एक एक काठी होगी तो बोझा नहीं बनेगा,
अगर एक आपने क्या, एक आपने क्या, सात काठी हो गई, एक आदमी का पूरा बोझ बन गया। तो ऐसे ही अकेले नूतन जी लगी रही, विनायक जी लगी रही, तो ये बोझ पूरा होने वाला नहीं। इतने अधिक विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, इतनी बड़ी समस्या है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठाकुर साहब मुझसे बोले जो तुम बोलोगे वही कर दूंगा, अब ऐसा कहाँ से कौन मिलता है, हाँ? और अभी भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, आखिर राज्यपाल बोलता क्या है, बड़े गौर से देख रहे हैं, अद्भुत उनकी हंसी में, मुस्कान में, ये क्या बोलता है ऐसे, अभी मुस्कान हो, एक बार बोला, दो बार बोले, जो आप बोलोगे। अब आप बताओ, जब ऐसा एक ठाकुर यहाँ रहता है तो ये जो जितने ठाकुर ठकुराइन बैठे हैं ये सब मिल जाएंगे, तो फिर गुलगुले जी का कार्यक्रम में तो बुलबुले खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो ये समाज का काम, ये अनेक लोग मिलके चल करते हैं तब ये समाज के काम खड़े होते हैं। मैं गलती से राजनीति में हूँ, मुझे राजनीति आती नहीं है। मैं ऐसे ही सामाजिक काम में मैंने अपना जीवन का दो तिहाई भाग व्यतीत किया है। कुछ मजबूरी थी, हमको राजनीति में जाने को कहा गया, और शायद मेरा सौभाग्य हो गया कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आने का सौभाग्य होता, इसलिए मैं भी राजनीति में आ गया, नहीं तो क्यों आता। ऐसा कुछ होगा, भगवान की विधान होता है ना, है? नहीं तो कौन आता है, मेरे मन तो था ही नहीं, तो ईश्वर की विधान होता है। और इसलिए ऐसे सब काम, अब आपने अब माने फाउंडेशन का नाम भले ही नूतन जी ने नूतन गुलगुले फाउंडेशन लिखा है, लेकिन इनके जो भवन बन रहा है, जो सदन बन रहा है, इन्होंने इसका नाम रखा है स्वानंद, यानी जो भी इसमें अपनी आहुति डालेगा उसको स्वतः ही आनंद आएगा। और मुझे विश्वास है कि जब हम चल पड़ते हैं, नूतन जी, मैं लोगों से कहता हूँ, युवाओं से विशेष करके मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बहुत समाज में जब निकला था तो विरोध होता था, मैं अकेले बढ़ता रहता था, करता रहता था, मुझे लगता था मेरा काम ईश्वर का है, मेरे संगठन का काम ईश्वर का है, कोई गाली दे रहा है, कोई पत्थर दे रहा है, कुछ कर रहा है, हम कह करते रहो, क्योंकि मैंने एक पहले शायर था तो उसे एक शायरी थी, उसकी पंक्ति थी, हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, यानी हम मंजिल के लिए अकेले चले थे, लोग आते गए कारवां बनता गया, कारवां बनता जाता है। ठाकुर जी बहुत खुश हो रहे हैं, तो बनता जाता है, यानी समाज के अंदर बहुत समस्याएं हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, अकेले सरकार सब नहीं करती, सरकार अगर अच्छा न करे कम से कम बाधा तो न डाले। तो बहुत बार क्या होता है कि कहीं कहीं पर जो है नियम धर्म ऐसे होते हैं ना, वो बेचारे भी ये अधिकारी तो मजबूर होते हैं, आप लोग सोचते हैं कि कलेक्टर है, कमिश्नर है, बड़ा भारी है, है? इसके पास डंडा है, उसके पास कलम है, है? लेकिन मैं इन लोगों से कहता हूं राइट फ्रॉम डे वन, कब से, कि देखो जहां से हो सके रास्ता निकालो, कठिनाई है बोलना बड़ा सरल है, परंतु तुम कठिनाई में से रास्ता निकालो तब तो तुम MLA हो, MP हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, उसमें से रास्ता निकालो। तो ये रास्ता निकालना एक कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी हमारे लोग सब सहयोग करते हैं, आगे जब हम बढ़ते हैं विरोध भी होता है, पर आपका काम ऐसा है नूतन जी, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि जो सेवा का भाव से आप कर रहे हैं, और आप सबसे भी मेरा निवेदन है, कोई जरूरी नहीं कि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जैसे सांसद जी बोल रहे थे ऐसे दे सकें, अगर आपने नहीं, आपके पास है, आपने कहा लो भाई मेरे तो पास 500 रुपये, मेरे पास तो 1,000 है, मेरे पास तो 10,000 है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो ये काम बहुत अच्छा होगा, और आप इसमें सहयोग करके आप जो है जितना मंदिर में भेंट चढ़ाते हो, घंटी बजाते हो, पूजा करते हो, उससे ज्यादा लाभ आपको यहाँ दान देने से होगा, क्योंकि
बच्चे हैं, देखो कैसे उसको, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना करना, ये एक बड़ा कठिन काम है, साधना है, ईश्वर की साधना, इन बच्चों को ईश्वर के रूप में देखना पड़ता है। तो आपने इतना सुंदर काम किया है, मैं नूतन जी को, विनायक जी को और पुष्कर को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और आप सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस गर्मी में और इस कार्यक्रम में दूर दूर तक लोग बैठे हैं, खड़े हैं, तुम्हारा भाषण होता पार्टी का तो चले जाते, आधे आधे बैठते, आधे चले जाते हैं, आधे ताली बजाते रहते, आधे पीछे पीछे चल देते, लेकिन इतनी देर से लोग सामने एक डेढ़ घंटे से खड़े हैं, इसका अर्थ क्या है? ये ईश्वरीय काम है, और ईश्वरीय काम में हम सब लोग सहयोग देंगे, मेरा विश्वास है कि काम आगे बढ़ेगा। मैं अभी मेरी कोई विवेकाधीन थोड़ा कोर्स होता है, जो ही अप्रैल में आएगा तो 25 लाख रुपया आपके इस स्वानंद सदन के लिए मैं विवेकाधीन कोष से दूंगा, और चूंकि वो जनप्रतिनिधि है विधायक जी, और ठाकुर माने लोग कहते हैं ना, मैं सेवक तू ठाकुर मेरो, हैं, ठाकुर माने वो आगे भगवान के तुल्य हो जाता है उससे, वो भगत, मैं भगत हूँ तो वो ठाकुर है, हैं, वो बड़ा है। तो मुझे लगता है कि जब भगत की ओर से 25 की घोषणा हो गई तो ठाकुर की ओर से क्या है, जिसको आ कहेगा वहाँ से 50 निकाल लेगा, तो ठाकुर की ओर से 50 घोषणा में कोई कठिनाई नहीं है, और देखो कितना खुश होगा। ऐसे लोग हैं दुनिया में है, है ना। मैं आज से जब मैं 20-25 साल का था तब भी बोलता था, क्योंकि मैं एक एक रुपए के चंदे से यहाँ पहुँचा हूँ लेकर के 5-10 करोड़ तक चंदा लेता हूँ, अब तो नहीं लेता, राज्यपाल हो गया, है ओ, तो कितने खुश हो गए देखे। तो ये एक यही चीज ऐसी है, अच्छा काम करने में आप दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं, और जितना हम सहयोग करेंगे हम भी दिव्यता की ओर जाएंगे, श्रेष्ठता की ओर जाएंगे, मेरा विश्वास है आप सबके सहयोग से ये संस्था आगे बढ़ेगी, अच्छा काम करेगी, यहाँ सब लोगों को लाभ मिलेगा, और ये गांव हमारा बहुत आगे इसके बहाने से सारे देश और दुनिया में जाना जाएगा, संस्था के माध्यम से जब सारे देश और दुनिया में जाना जाएगा तो फिर आपके यहाँ भी कुछ न कुछ जरूर आएगा, दोगे तो लोगे, आएगा। इसलिए लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।